हाँ तो हेलो गाइस, कैसे हो साथ हमारे एक और ब्रांड वीडियो में। और फाइनली एक और ब्रांड ऑक्टिफाइन लॉन्च हो चुका है, जो कि नो डाउट तुमको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। और जैसे ऑक्टिफाइन तुम्हारे गेम का लिए एकदम से फिक्स कर देगा, इसमें आपको और भी काफ़ी सारे फीचर मिल जाएंगे जो कि नो डाउट तुमको पसंद आएंगे। एंड आप काफ़ी सारे बंदे में से पूछते हैं, भाई आप कैसे फाइल को माइनक्राफ्ट में इंपोर्ट करते हो। सबसे पहले आपको अपने जेडीआरएचयू को ओपन करना है, देन तुमको डाउनलोड में आ जाना है, जहाँ पे आपकी जो फाइल होती है उसको ढूंढ लेना है। देन उसके बाद सिंपली आपके फाइल पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है, जिसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आता है, सिंपली रीनेम पे क्लिक करना है। देन तुमको यहाँ से आपको जिप को हटा देना है। देन उसको सिंपली आपको यहाँ पे एम सी पैक लिख देना है ना, उसको सिंपली आपको डन पे क्लिक करना है एंड ओके। उसके बाद सिंपली आपको फाइल पे दोबारा क्लिक करके व्यू पे क्लिक करना है। देन तुमको यहाँ पे माइनक्राफ्ट सेलेक्ट कर लेना है, उसका सिंपली आपकी जो फाइल होगी वो माइनक्राफ्ट में इजीली इंपोर्ट हो जाएगी। देन आपको ना ग्लोबल इशूज में देन बाहर इसको अपलोड एक्टिव कर पाओगे, और साथ ही साथ में इस वाले ऑप्टिमाइजर को अपने से ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाती हैं जो कि आप लोग स्क्रीन पर नोट डाउन कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसका गेम प्ले आप लोग कुछ ऐसा मिल जाता है, जहाँ पे आपको फुल आपको टेक्सचर पैक मिल जाता है, किसी ब्लॉक को माइन कर उसमें माइनिंग और पार्टिकल दोनों ही गायब हो चुके हैं, जिससे आपके गेम के लिए काफ़ी हद तक फिक्स हो जाएगा। और नेक्स्ट मंथ तुमको इसमें फुल ग्लास का भी टेक्सचर पैक मिल जाता है, जो कि ओबियसली तुमको पसंद आया होगा। और इसमें जितने भी आपके रेन ड्रॉप्स होते हैं वो भी इसमें गायब हो चुके हैं। यहाँ पे जो पोशन बॉटल के पार्टिकल्स होते हैं वो गायब हो चुके हैं, लो फायर के भी पार्टिकल गायब हो चुके हैं, जो कि आपको देख के मिल रहे होंगे। साथ ही साथ तुम्हारे फूड, किसी फूड को आप लोग खाते तो यहाँ पे पार्टिकल्स गिरते हैं, वो वाले पार्टिकल भी यहाँ पे रिमूव हो चुके थे। आपके गेम के लिए काफ़ी हद तक फिक्स हो जाएगा और गेम आपका काफ़ी ऑप्टिमाइज होकर चलने वाला है। तो होप सो गाइस आपको ज़्यादा ऑक्टिफाइन पसंद आया होगा।